नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा से सदस्यता पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब करहल विधानसभा पर उपचुनाव कराया जाएगा। विधानसभा कार्यालय में उनके इस्तीफे की कॉपी भी पहुंचा दी गई है। अखिलेश यादव कन्नौज संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, जबकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। विधानसभा में फिलहाल उनके पास नेता प्रतिपक्ष का दायित्व था। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सपा 37 सीटें जीतकर लोकसभा में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो नेता प्रतिपक्ष के पद से भी अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है और अपनी करहल सीट से भी इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे की जो कॉपी है उसे पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि करहल विधानसभा से सदस्यता पद से इस्तीफा देने के बाद खुद अखिलेश यादव ने इसका ऐलान किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि वो इस पद से इस्तीफा देने वाले हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष का पद किसको दिया जाएगा ये देखने वाली बात है। खबरों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आ रही है कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए जिस तरह कल खबरें आ रही थी कि करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं, इस पर मोहर लग गई है। अब अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है, उनकी कॉपी भी पहुंचा दी गई है। अब सवाल प्रतिपक्ष नेता के चुनने को लेकर भी उठ रहा है, शिवपाल सिंह यादव का नाम आ रहा है। क्या लगता है आपको, कौन इसके लिए आगे होगा? और सबसे बड़ी बात है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सपा 37 सीटें जीत चुकी है, ऐसे में लोकसभा में तीसरी बड़ी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसका कद भी बढ़ गया है। बिल्कुल वक्ता, देखिए अखिलेश यादव ने कल ही ये कहा था कि वो इस्तीफा देंगे और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। करहल विधानसभा सीट से 2022 में वो चुने गए थे। हाँ। बीजेपी के बड़े नेता सचिन बघेल को बड़े अंतर से हराकर उन्होंने करहल विधानसभा की सीट जीती थी और नेता विपक्ष बने थे विधानसभा में। अब क्योंकि अखिलेश यादव नेतृत्व करेंगे संसदीय दल का, जो उनके सांसद है उनका दिल्ली में नेतृत्व करेंगे, संसद भवन में नेतृत्व करेंगे, तो ऐसे में अब जो 37 सांसद है अखिलेश यादव को मिलाकर उसको लेकर वो दिल्ली में आवाज उठाएंगे उत्तर प्रदेश की। आप ये कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जो एक ट्वीट किया गया उसमें उन्होंने बताया है कि अब किसान, मजदूर, पिछड़े और जो लोग हैं आदिवासी समाज है उसकी आवाज को संसद में अखिलेश यादव बुलंद करेंगे। तो इससे साफ हो गया कि अब करहल की सीट उन्होंने छोड़ दी है। जो नेता प्रतिपक्ष की आपने बात कही है वक्ता, नेता प्रतिपक्ष के लिए तमाम चेहरे हैं जिन पर पार्टी विचार करे, समाजवादी पार्टी, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो जिन्हें संगठन का अच्छा खासा अनुभव है, मुलायम सिंह के साथ साइकिल चलाते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, तो शिवपाल सिंह यादव से बड़ा चेहरा कोई कम से कम नहीं हो सकता जो जिसको संगठन की समझ हो। तो ऐसे में अगर उनको संगठन की समझ है और इतने सालों से समाजवादी पार्टी के लिए काम किया, तो एक बड़ा चेहरा है शिवपाल यादव जिनके लिए नेता विपक्ष के बनने की रेस में है वो। इसके अलावा राम अचल राजभर न सिर्फ पिछड़ों के बड़े नेता हैं बल्कि अम्बेडकर नगर से आते हैं, पहले मायावती के साथ बसपा में हुआ करते थे, अब अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन अच्छा खासा दबदबा उनका भी है। दिलजीत सरोज है, तमाम कुछ और भी नाम है जिनके नामों को लेकर चर्चा चल रही है, हालांकि शिवपाल सिंह यादव का नाम फिलहाल सबसे आगे बताया जा रहा है। बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरह से तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लोकसभा पहुंची है, आप सांसदों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जनता के भी ऐसे कई मुद्दे होंगे जिन्हें आप उठाने का जो हक अधिकार है वो ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिल चुका है। आपको क्या लगता है जब ये मुद्दों पर चर्चा होगी और जनता के मुद्दे वहां तक पहुंचेंगे, तो उनमें ऐसे कौन कौन से खास मुद्दे हो सकते हैं जिन पर तेजी के साथ आवाज उठाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी? इनमें कौन से सबसे मुद्दे आपको आगे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल पता, देखिए 2014-2019 की बात करें तो 5-5 सांसद थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन इस बार 37 सांसद है, तो अखिलेश यादव को भी पता है कि इस बार जो आवाज होगी समाजवादी पार्टी के सदन में वो एक भारी आवाज होगी, वो बड़ी आवाज होगी, और यही वजह की उन्होंने संसदीय दल का नेता बनना स्वीकार किया उत्तर प्रदेश की आवाज।
क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो एक मन में विचार अखिलेश यादव के जरूर होगा कि पार्टी को कुछ विस्तार मिले, जो राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान मिले, ये एक वजह है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उनकी उत्तर प्रदेश की इर्द गिर्द उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की घूमती है, तो तमाम ऐसे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में, अब चाहे वो उस समय जब संसद चल रही हो या उस समय के आसपास के मुद्दे हों या आपके मुद्दे हों, तो तमाम ऐसे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश से जुड़े होंगे उनको प्रमुखता के साथ उठाएंगे अखिलेश यादव संसद में। टीडीए का जो मुद्दा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीड़ित बिहारी समाजवादी पार्टी तक, तो उस पर भी यही कहा गया है कि जो वंचित है, जो समाज के शोषित वर्ग है, चाहे पिछड़े हो, अनुसूचित जातियां जनजातियां हो, मुस्लिम हो, उनकी आवाज उठाई जाएगी। तो आप ये कह सकती है कि एक पैमाना तय कर लिया समाजवादी पार्टी ने कि कौन से वो मुद्दे होने जा रहे हैं जिनको वो संसद में उठाने जा रही है, और यही मुद्दे वो होंगे जिसके कारण से जो इस बार का जो नतीजा आया समाजवादी पार्टी को, कहीं ना कहीं लगता है यही वो मुद्दे रहे जिन्होंने पार्टी को आज नई ऊंचाई दी है। तो ऐसे में यही मुद्दे, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय का मुद्दा होगा और उससे जुड़े जो तमाम मुद्दे होंगे, उनके रोजगार से जुड़े, उनके उनके न्याय से जुड़े, तमाम ऐसे मुद्दे समाजवादी पार्टी सदन में उठाएगी। बिल्कुल आनंद जी, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इस विषय से जुड़े हुए हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।